अहमदाबाद में हिट एंड रन केस की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला बुधवार को नोरल के खोडियार से आई है, जहां एक बाइक सवार ने दो जुड़वा बच्चों को बेरहमी से कुचल दिया। जानकारी के अनुसार घटना बुधवार की है, जहां नारोल के खोडियार मां के मंदिर के पास एक हिट एंड रन केस की घटना सामने आई है, जिसमें दो जुड़वा बच्चे लव और कुश को एक बाइक सवार ने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, जिसमें दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले में दोनों आरोपी की तलाश में जुटी है। आज नारोल हिट एंड रन की केस में आज हम बात करें तो यहाँ पे जो लव और कुश जो बच्चे जहाँ पे उनकी जो उनका मरण हो गया, तो आज उनसे बात करते हैं कि क्या हुआ था। ऐसा हुआ है कि मेरा नाम रौनक भाई शाह, लांबा वोट भाजपा युवा मोर्चा मंत्री। मेरे घटनास्थल पे ऐसा सुनने में आया, मुझे मैं पीछे के रोड पे था, तो मेरे पे दो तीन जने का फोन आया कि नारोल पुलिस स्टेशन के बाहर एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं कि रोड क्रॉस करते होंगे तो हो गया होगा, नगर जब भी हेल्प जाती है तो मैं जाता ही हूँ। लेकिन फिर मेरे को दूसरा फोन आया और सुनने में आया कि तेरे दोनों भतीजे का ही एक्सपर्ट हो गया। तो मैंने घर वाले को फ़ोन किया, घर वाले ने किसी ने उठाया नहीं, क्योंकि यहाँ पे एलजी। मेरा मानना यूँ है कि जो एक्सीडेंट लव कुश का हुआ, मैं नहीं मान सकता हूँ कि कोई भी पब्लिक बोल रही है कि पल्सर से, लेकिन ये आयसर चिकनी कलर की आयसर सुनने में आ रहा है, वो चिकनी कलर की आयसर की पुलिस को खोज करनी चाहिए। पर मेरा मानना यूँ है कि पुलिस क्या, जब मरण वहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ तो 108 की सुविधा आधे घंटे में पहुँची। सही बात, पुलिस की बात तो छोड़ो, पुलिस अभी आई है यहाँ पे 12 बजे इंक्वायरी करने, और मेरे को फोन कर रहे कि क्या हुआ, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए। अच्छा, पुलिस की तरफ से आपको क्या हेल्प मिली थी? पुलिस की तरफ से अभी कल्याण सिंह करके ट्रैफिक डिवीजन में है, वो आए पंचनामा बना रहे, और हमारे जो जादव साहब है नारोल पुलिस स्टेशन में, मैं मानता हूँ तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छे, लेकिन जादव साहब से फोन लगा, जादव साहब अभी वहाँ पे हाजिर है और सब पुलिस इंक्वायरी चल रही है आगे से आगे। यहाँ से रेफर कर रहे हैं, हाँ यहाँ से एफआईआर करनी है हमारे को कि इसकी कार्यवाही संपूर्ण होनी चाहिए, कि जहाँ तक न्याय नहीं मिलेगा वहाँ तक इसकी मांग मैं करते रहूंगा। अने यहाँ पे एलजी में मैंने अभी डेड बॉडी वाहन के लिए पूछा, तो डेड बॉडी वाहन मेरे को गवर्नमेंट का ये कायदा सुनना है कि गवर्नमेंट यूँ बोल रही है कि डेड बॉडी वाहन आपको ले जानी है, तो पर्सनल वाहन में क्यों ले जाऊंगा, वो यहाँ से ही मेरे को मिलनी चाहिए पर्सनल वाहन। अभी मेरे मरण के टाइम पे वो लोग रुपया ढूंढ रहे, तो रुपया देने वाला मैं 5 रुपया भी नहीं, वही भेजेंगे वीएस, और वीएस से हम लोग हमारे घर पे हमारे पीएम करवाएंगे। किरण व्यास, केएनएन न्यूज़, अहमदाबाद।